भिलवाड़ा में आबकारी विभाग ने अब सैनिटाइजर की कालाबाजारी रोकने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। विभाग स्वयं ही अब आमजन को सस्ती दरों पर सैनिटाइजर उपलब्ध करवाएगा। सीआई विकास शर्मा ने कहा कि आम आदमी के लिए सैनिटाइजर आबकारी विभाग के माध्यम से उपलब्ध कराने की तैयारी कर रहा है। जिले में सभी चिकित्सालय में काम कर रहे लोगों को पहले प्राथमिकता पर सैनिटाइजर उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। देखिए, भीलवाड़ा में इस वक्त जैसा कि आप जानते हैं राजस्थान में सर्वाधिक प्रभावित जिला है और आबकारी विभाग के द्वारा बहुत ही अल्प समय में इसकी कालाबाजारी रोकने के लिए सैनिटाइजर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। तकरीबन भीलवाड़ा में 800 पेटी सैनिटाइजर अभी हमारे पास उपलब्ध हैं, जो माननीय जिला कलेक्टर महोदय के निर्देशन में जिला कलेक्टर कार्यालय से ही उपलब्ध कराए जा रहे हैं, जो किसी भी व्यक्ति को उसकी डिमांड अनुसार संस्थाओं को निःशुल्क दिए जा रहे हैं। आबकारी विभाग भीलवाड़ा के जीएसएम गोदाम से भी कल से निर्धारित शुल्क के पश्चात बहुत रियायती दरों पर लगभग 50 रुपये की बोतल हम कल से आम जनता के लिए भी उपलब्ध करा देंगे। देखिए, जो भी हैं विभिन्न विभाग हैं, जिसमें एसडीआरएफ भी है, एनडीआरएफ टीम भी है, स्वास्थ्य विभाग भी है और एसडीएम कार्यालय भी हैं, पुलिस कार्यालय भी हैं, विभिन्न जो विभाग हैं माननीय कलेक्टर महोदय के अंतर्गत जो काम कर रहे हैं इस वक्त। चलिए बात जयपुर की करते हैं, जहां पर परकोटे में कर्फ्यू लगातार जारी है। 2500 से ज्यादा पुलिस